साथियों, भारत हजारों वर्ष पुराना राष्ट्र है। एक समय था जब दुनिया में भारत की आर्थिक समृद्धि के किस्से कहे जाते थे। आज भी भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन धरोहरें पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज देश विरासत पर गर्व इस भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। आज आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है। चाहे केदारनाथ और काशी जैसे हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का विकास हो, महाकाल महालोक जैसे पुनर्निर्माण हो, या आजादी के अमृत काल में भारत सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है, इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है। भारत में हो रहा ये बिएनाले इस दिशा में एक और शानदार कदम है। इसके पहले हमने देखा है, यहां दिल्ली में ही इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था। अगस्त में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन भी किया गया था। इन कार्यक्रमों के जरिए हमारा प्रयास है कि भारत में ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव को संस्थागत बनाया जाए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए। हम चाहते हैं कि वेनिस, साओ पाउलो, सिंगापुर, सिडनी, शारजा जैसे बिएनाले और दुबई लंदन जैसे आर्ट फेयर्स की तरह दुनिया में भारत के आयोजनों की भी बड़ी पहचान बने। और इसकी जरूरत इसलिए भी होती है कि आज मानव जीवन पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ता गया है और कोई भी दूर का जो देखता है वो नहीं चाहेगा कि उसका समाज रोबोट हो जाए। हमें रोबोट तैयार नहीं करने, हमने इंसान बनाने, और उसके लिए संवेदनाएं चाहिए, उर्मी चाहिए, सद्भावना चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, आशा निराशा के बीच जीने के तरीके चाहिए। ये सारी चीजें कला और संस्कृति के माध्यम से पैदा होती। जोड़ तोड़ के लिए तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज काम कर सकती है, और इसलिए इस प्रकार की चीजें मानव की भीतर के सामर्थ्य को जानना, पहचानना, उसे जोड़ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा देती है। और साथियों, अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही आज आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का लोकार्पण भी हुआ है। यह सेंटर भारत की यूनिक और रेयर क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इससे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे। और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत में 5 शहरों में कल्चरल स्पेस बनाने की शुरुआत होना भी एक ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली के साथ साथ कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में बनने वाले ये कल्चरल स्पेस इन शहरों को सांस्कृतिक रूप से
और समृद्ध करेंगे। ये सेंटर लोकल आर्ट को एनरिच करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज को भी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने अगले 7 दिनों के लिए 7 महत्वपूर्ण थीम्स भी तय की है। इसमें देशज भारत डिजाइन और समत्व, इन थीम्स को हमें एक मिशन के रूप में आगे लेकर चलना होगा। देशज यानी इंडिजीनियस डिजाइन को एनरिच करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे युवाओं के लिए अध्ययन और रिसर्च का हिस्सा बने। समत्व थीम वास्तु के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सेलिब्रेट करती है। मुझे विश्वास है नारी शक्ति की कल्पना शक्ति, उनकी रचनात्मकता इस क्षेत्र को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी।